हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कौन सी यहाँ पे 28 जून है और 9:13 हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे नेशनल मोर्निंग थोड़ा पॉजिटिव होकर ओपन हो रहा है एंड सेल भी ऑलमोस्ट सही है। आईडिया भी 50 पैसे 28 पैसे आसपास डाउन। आप देखोगे ओवरऑल प्लस 931 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। एंड आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है थोड़े से प्रीवियस डे के मुकाबले। एंड आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट आने की कोशिश कर रही है। एंड अभी 9:15 जस्ट हुए हैं, आप देखते हो ओपन होते ही 1300, 1500 का 1800 का प्रॉफिट यहाँ पे शो होने लग गया है। एंड आप अगर इसको देखोगे तो लगभग 9:15 हो रहे हैं और 2700 से 3000 के बीच में प्रॉफिट चलने लग गया है। एंड आप देखोगे अभी 2609 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 2800 रुपये के आसपास है। निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी साफ मूवमेंट के साथ मूवमेंट दे रहे हैं। एंड आप देखोगे करंट टाइम में 3700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चलने लग गया है। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 9:16 हो रहे हैं और 3700 का प्रॉफिट चल रहा है करंट में। एंड यहाँ पे आप देखोगे आईडिया भी ठीक मूवमेंट देने लग गया है, आप सर्च जाओ सेल। और यहाँ पे देखोगे आप नेशनल मोर्निंग और सेल काफ़ी साफ मूवमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे बीएसबी देखोगे लगभग 4000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, नेशनल मोर्निंग में लगभग 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। एंड आप क्लियरली देख सकते हो अभी 4100 का प्रॉफिट चलने लग गया, 3800 का प्रॉफिट चल रहा है, 3886 रुपये, 4000 के आसपास का प्रॉफिट चला, 4196 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। काफ़ी शार्प मूवमेंट आ रही है एज यू कैन सी। 9:17 हुए हैं और अभी 4000 का प्रॉफिट होने लग गया अच्छा खासा। एंड आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो गाइस कि 9:18 हो चुके हैं और अभी जो 4000 का प्रॉफिट था वो 3200, 3200, 3000 के आसपास चल रहा है। अभी 9:25 हो रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 5000 रुपये का प्रॉफिट चलने लग गया है। एंड यहाँ पे आज काफ़ी साफ मूवमेंट आ रही है बिकॉज सेल आज लगभग 3% के आसपास प्लस है। एंड नेशनल मोर्निंग 0.97 लगभग 1% पकड़ लो उसी के आसपास पॉजिटिव। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे लगभग 5051-5153 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और 9:26 होने करंट टाइम पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 7000-4000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। एंड यहाँ पे नेशनल मोर्निंग भी सीख पॉइंट लगभग ओवरऑल देखोगे आप 5160-5100 के आसपास। यहाँ पे आप देखो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जितनी साफ डाउन साइड आई थी उतना ही वी शेप में रिकवरी आई है और काफ़ी वॉल्यूम के साथ पंप अप हुआ है स्टॉक और वापस से वहीं पे जा पहुंचा है जहां से थोड़ा सा कल के डे में गिरा हुआ था। एंड आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी ले रहा है धीरे धीरे क्योंकि अपसाइड से वहां पे थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। एंड आप सेल में देखोगे सेम पैटर्न में जिस हिसाब से डाउन हुआ था उसी हिसाब से पंप अप हुआ है विद वॉल्यूम। आप देखोगे लगभग 1-1, 2-2 मिलियन का 12-12 मिलियन का वॉल्यूम है स्टार्टिंग में ही। 9:28 और आप वॉल्यूम देख सकते हो कितना बढ़िया वॉल्यूम है। एंड आप देखो वही 5200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चलने लग गया, मैक्सिमम प्रॉफिट वो सेल में ही है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 5300 रुपये के आसपास का 5300-5300-5400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट काफ़ी साफ मूवमेंट आ रही है। बट साथ साथ में आप ये भी देखो लगभग 5900-5600-5800-5900-56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 00-
28 29 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप 6300 रुपये का प्रॉफिट देख सकते हो क्लियरली। और यही साफ मूवमेंट आ रही क्योंकि जो सेल है वो 4.16% के आसपास पॉजिटिव है एंड आप देख सकते हो 6474 रुपये का प्रॉफिट करंट टाइम पे चल रहा है, 6700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। 9:29 ही हुए हैं अभी भी एंड देखो कि काफ़ी साफ मूवमेंट आई है, 6800 6900 ऑलमोस्ट यहाँ पे 7000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चलने लग गया गाइस। आप देखोगे अभी तो नेशनल मूवमेंट भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे काफी साफ मूवमेंट आ रही है विद वॉल्यूम। आप देखोगे 15 मिनट के अंडर पे एक 2 मिलियन 1 मिलियन 1.52 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम है, यहाँ पे काफी साफ मूवमेंट आ रही है ओवरऑल। एंड आप देखो मेटल काफी अच्छी मूवमेंट के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और आप देखोगे लगभग वही 7000 के आसपास प्रॉफिट चला, 6700 रुपये 7000 के आसपास का प्रॉफिट है, 6400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है ओवरऑल। देखोगे तो मैक्सिमम अभी हिट किया वो 7000 का प्रॉफिट, 9:30 हो रहा है, 7000 का प्रॉफिट यहाँ पे चलने लग गया है। एज यू कैन सी गाइज काफी साफ मूवमेंट आई है, साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे 7200 रुपये का प्रॉफिट चलने लग गया नेशनल मूवमेंट। वही आप देखोगे तो 1.5% के आसपास पॉजिटिव है एंड आप देख सकते हो सेल लगभग 4.5% 4.5% के आसपास पॉजिटिव है। अभी 6700 का प्रॉफिट चल रहा है, 7100 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, साथ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ विद कैंडल सो दैट आपको क्लियरली दिखे कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ कितनी साफ मूवमेंट आ सकती है। आप देखोगे लगभग आप टोटल देखोगे 7100 7254 रुपये 7250 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 9:32 हो चुके हैं फिलहाल एंड आप देखोगे वही नेशनल मूवमेंट 3 रुपये के आसपास पॉजिटिव और सेल 6 रुपये 20 30 पैसे के आसपास पॉजिटिव हो रखा है। मेटल सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव है आज और उसके साथ ही काफ़ी साफ मूवमेंट आ रही है यहाँ पे। एंड आप देखोगे मूवमेंट के साथ साथ आप देखोगे ये प्रीवियस जो हाई था कल का प्रीवियस जहाँ से गिरा हुआ था वहीं से वापस से
उसको क्रॉस करके ऊपर से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है सेल, है ना। देखोगे नेशनल लगभग 6800 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट अभी चल रहा है, लगभग 1600-6000 के आसपास का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है पीएनएल में, है ना। देखो निफ्टी मेटल लगभग वही 100 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है, एंड अदर स्टॉक्स भी ऐसे ही हैं। आई नो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी आती है, सो दैट मैं फास्ट फॉरवर्ड में बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी साफ मूवमेंट है, यहाँ पे ऑयल वगैरह भी आज ऑयल कंपनियाँ काफ़ी अच्छी मूवमेंट के साथ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं ओवरऑल, है ना। आप देख सकते हो क्लियरली वहाँ पे 6700 के आसपास का भी प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी कुछ खास मूवमेंट आई है, 9:34 हुए हैं, है ना। देखो 7200-7300 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट चलने लग गया है ओवरऑल। आप देखोगे तो जो सेल है वो लगभग 6 रुपये के आसपास पॉइंट बढ़ा हुआ है, 4 रुपये के आसपास, और नेशनल मूवमेंट 2182 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है, एंड यहाँ पे देखोगे टोटल 6546 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी आप देखोगे तो 7344 रुपये 7200 के आसपास चल रहा है, यहाँ आप देखोगे क्लियरली 9:42 28 जून का है, 7200 रुपये के आसपास का टोटल प्रॉफिट चलने लग गया ओवरऑल। यहाँ पे देखो एक साफ मूवमेंट के साथ ही स्टॉक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ सो दैट यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल कर पाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बनता है। स्टॉक आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ठीक ठाक मूवमेंट के साथ परफॉर्म 100-150 पॉइंट के आसपास है, एंड 7300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, नेशनल मूवमेंट 2700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, एंड ओवरऑल देखोगे कैंडल के साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको सो दैट आपको क्लियरली दिखे कि वॉल्यूम में कितनी पावर होती है, एंड आप देखोगे यहाँ पे सेल में भी वही सेम पैटर्न सेम कंडीशन बन रही है कि जैसा गिरा था उसी के साथ सेम साइड से मूवमेंट दे रहा है, एंड 9:46 हो चुके हैं, एंड अभी आप देखोगे लगभग वही 7062 रुपये के आसपास का वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है, 7400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है अभी, एंड आप देख सकते हो क्लियरली। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी गाइज 11:25 हो रहा है, रात को फ्राइडे का टाइम है, एंड मैं फाइनल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यू कैन सी यहाँ पे आप देखोगे तो जो मेटल है वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिया था सुबह मेटल इंडेक्स, बट वापस से वही डाउन साइड में था। चार्ट के तो दिखाऊँ मैं आपको, ये पहले तो अच्छी खासी डाउन साइड से मूवमेंट दिया है, एंड देन थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके नीचे आके इस रेंज में ही बंद हो गया है। ऑलमोस्ट 48 पॉइंट के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव होकर के 46 पॉइंट के आसपास बंद हुआ है, एंड आप देखोगे तो हिंडाल्को एक अच्छी मूवमेंट दिया था, लाइक आप समझो 8 रुपये प्लस होकर बंद हुआ है। नेशनल अल्मोनियम में भी 189 का हिट किया था, प्लस 2 रुपये ही प्लस होकर के बंद हुआ लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे, एंड सेल को आप देखोगे तो 151 का हाई हिट किया है और लगभग 4% के आसपास क्लोज टाइम में बढ़ के बंद हुआ है, एंड वेदांता भी लगभग 2% के आसपास बंद हुआ। तो मेटल सेक्टर अच्छे कॉम्पैक्ट मूवमेंट में था। आप देखोगे फाइनल यहाँ पे जो आप थोड़ा नोट से तो दिखाऊँ आप देख पा रहे हो, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ ऑलमोस्ट लगभग मैक्सिमम प्रॉफिट जो था वो सुबह के टाइम पे आप देखोगे तो लगभग 7500 रुपये के आसपास था, बट वो फिर यहाँ पे आप देखोगे घट करके वो 5489 रुपीज़ के आसपास, 5489 रुपये के आसपास यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है गाइस, तो आप देखोगे अब यहाँ पे जो यहाँ पे आईपीएल स्टेट में लगभग 2500 का प्रॉफिट चला था वो घट के 816-86 रुपये के आसपास आ चुका है, एंड यहाँ पे एक्जिगो में थोड़ा 1000 रुपये का लॉस है आज के दिन का, 5-3% डाउन है स्टॉक आज। तो आप देखोगे प्रीवियस जो लो हुआ था उसी के आसपास बंद हुआ है, एंड आप नेशनल मूवमेंट को देखोगे तो ये 1552 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है, एंड 189 का हाई हिट किया था, और अगर आप देखोगे सेल को तो 4878 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है दिन का, एंड आप देखोगे 151 का हाई हिट किया था, 148 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो गाइस ये है फाइनल वीडियो, आप देखोगे 5889 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे 1.54% के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।